हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जॉन वेबस्टर के फेमस प्ले द व्हाइट डेविल को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस प्ले में व्हाइट डेविल उन लोगों को कहा गया है जो समाज के सामने तो बहुत अच्छा बनने का नाटक करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मॉन्स्टर्स या डेविल्स से कम नहीं होते। तो चलिए अब हम लोग इस प्ले के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर कैरेक्टर्स और समरी को समझते हैं। व्हाइट डेविल का पूरा टाइटल है द व्हाइट डेविल और द ट्रेजेडी ऑफ पोलो गियोर्डाना उर्सिनी ड्यूक ऑफ ब्रेशियानो विद द लाइफ एंड डेथ ऑफ विक्टोरिया कोरोम्बोना द फेमस वेनेटियन कर्टिजन। कर्टिजन प्रोस्टिट्यूट को कहते हैं। तो ये एक ट्रेजेडी है जिसे जॉन वेबस्टर ने लिखा था, जिनका जन्म हुआ था 1580 को और डेथ हुई थी 1634 में। और ये जो स्टोरी है वो एक एक्चुअल इवेंट पर बेस्ड है जो इटली में हुई थी 30 साल पहले। प्ले के लिखने के 30 साल पहले ये इवेंट हुई थी, जहाँ पर एक औरत थी जिसका नाम था विक्टोरिया एक्रोमबोनी, जिसका मर्डर कर दिया गया था पेडुआ में। पेडुआ एक जगह है इटली में, 22 दिसंबर 1585 को। सो ये जो प्ले है उसमें लोगों की सच्चाई को दर्शाया गया है कि कैसे लोग अपने आप को गुड या वाइट दिखाते हैं, प्योर दिखाते हैं, लेकिन वो वैसे होते नहीं हैं। अब चलिए हम लोग इस प्ले के कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें एक कैरेक्टर है मोंटी सेल्सो, जो कि एक कार्डिनल था। कार्डिनल चर्च का एक मेंबर होता है। वो पहले कार्डिनल था, लेकिन बाद में वो पोप पॉल IV बन जाता है मोंटी सेल्सो। उसके बाद फिर कैरेक्टर है फ्रांसिस्को डी मेडिकी, जो कि फ्लोरेंस के ड्यूक थे। ड्यूक एक नोबल मैन होता है और एक्ट 5 में वो अपना भेस बदल लेता है फ्रांसिस्को डी मेडिकी और एक मूर बन जाता है। मूर मुस्लिम्स को कहा जाता है और वो अपना नाम रख लेता है मुल्ली नासर। थर्ड कैरेक्टर है ब्रेशियानो और उसे उसका असली नाम है पोलो गोर्डाना ऑर्सिनी, जो कि ड्यूक है ब्रेशियानो नाम की जगह का, इसीलिए प्ले में उसे ब्रेशियानो कहा गया है। और वो इजाबेला नाम की एक औरत का हस्बैंड था, लेकिन वो विक्टोरिया नाम की औरत से प्यार करता था। नेक्स्ट कैरेक्टर है जियोवानी, जो कि ब्रेशियानो का बेटा था उसकी वाइफ इजाबेला से। नेक्स्ट कैरेक्टर है लोडोविको, जिसका नाम कहीं कहीं पर लोडोविक भी लिखा है, और वो एक इटालियन नोबल मैन था, इटालियन काउंट था, जिसे इजाबेला जो कि ब्रेशियानो की पत्नी है वो पसंद थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है एंटोनेली, जो लोडोविको का फ्रेंड है और एक साजिश करता है, कॉन्स्पिरेटर है। गैस्पेरो भी लोडोविको का फ्रेंड होता है और एक कॉन्स्पिरेटर होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैमिलो, जो कि विक्टोरिया का हस्बैंड था और मोंटेसेल्सो का वो एक नेफ्यू था, यानी कि भतीजा था मोंटेसेल्सो, जो कि कार्डिनल है। इजाबेला अगला कैरेक्टर है, जो कि फ्रांसिस्को डी मेडिकी की बहन थी और ब्रेशियानो की फर्स्ट वाइफ थी, जिसके बारे में ऊपर हमने अभी अभी पढ़ा था। तो वो फ्रांसिस्को डी मेडिकी की बहन है। नेक्स्ट कैरेक्टर है विक्टोरिया कोरोम्बोना, जो कि एक वेनेटियन लेडी थी और वो फ्लेमिनियो की बहन है और उसकी शादी कैमिलो से हुई थी, जिसके बारे में अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। लेकिन वो ब्रेशियानो के साथ भाग जाती है और ब्रेशियानो से वो शादी भी कर लेती है और इसी कारण से विक्टोरिया और ब्रेशियानो का मर्डर कर दिया जाता है इस प्ले में। तो चलिए अब हम लोग प्लॉट समरी की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पे जो काउंट लोडोविको है उसे रोम से भगा दिया गया है, बैनिश कर दिया गया है, क्योंकि वो बहुत बड़ा अय्याश होता है और उसने किसी का मर्डर भी किया था। लेकिन उसके फ्रेंड्स गैस्पेरो और एंटोनियली उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो किसी भी तरीके से उसको जो ये सजा मिली है उसे हटवाएंगे और उसे वापस बुलाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ड्यूक ऑफ ब्रेशियानो है वो बहुत ही पैशनेटली विक्टोरिया कोरोम्बोना को पसंद किया करता था, जो कि एक नोबल मैन की ही बेटी थी। लेकिन क्योंकि वो लोग काफ़ी गरीब थे, इसीलिए विक्टोरिया की जो शादी थी
वो कैमिलो से कर दी गई थी। तो जो विक्टोरिया और ब्रैशियानो है, इन दोनों का अफेयर चल रहा होता है, और हालांकि वो दोनों, जो ब्रैशियानो है, ड्यूक ऑफ ब्रैशियानो, वो भी शादीशुदा था और विक्टोरिया भी शादीशुदा थी, लेकिन फिर भी उन दोनों का अफेयर चल रहा होता है। सो विक्टोरिया का जो भाई होता है फ्लेमिनियो, वो तो चाहता ही था कि ब्रैशियानो और विक्टोरिया की शादी हो जाए, इसलिए क्योंकि फ्लेमिनियो जो था वो ब्रैशियानो का सेक्रेटरी था और वो ये चाहता था कि उसे और भी ऊंचा पोस्ट मिल जाए, और इसलिए वो चाहता था कि विक्टोरिया और ब्रैशियानो की शादी हो जाए, और इसलिए वो पूरा प्लानिंग कर रहा होता है, स्कीम बना रहा होता है कि किस तरीके से वो अपनी बहन और ड्यूक को साथ ला सके और अपने करियर को आगे बढ़ा सके। लेकिन ये बात उसकी माँ कॉर्नेलिया को, यानी कि जो विक्टोरिया और फ्लेमिनियो की माँ है कॉर्नेलिया, उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती। इनका एक और भाई होता है जिसके बारे में हमें आगे बताया गया है। द प्लान इज फॉइल्ड बाय द अराइवल ऑफ ब्रैशियानोज वाइफ इजाबेला। तो ये लोग ये जो प्लान कर रहे थे कि विक्टोरिया और ब्रैशियानो को साथ लाया जाएगा, यानी उनकी शादी कराई जाएगी, इस प्लान को बिगाड़ देती है ब्रैशियानो की वाइफ इजाबेला। तभी वहाँ पर ब्रैशियानो की वाइफ इजाबेला और उसका भाई फ्रांसिस्को आ जाते हैं, और उनके साथ कार्डिनल मोंटेसेल्सो भी होता है। और जब उन्हें पता चलता है कि ये जो ब्रैशियानो है, उसकी इनफिडेलिटी के बारे में उन्हें पता चलता है कि उसका तो ऑलरेडी अफेयर चल रहा है विक्टोरिया नाम की एक औरत के साथ, तो उन्हें बहुत ही खराब लगता है, और वो लोग उसे धमकी देते हैं कि इस अफेयर के बारे में वो सभी को बता देंगे। लेकिन ये सब होने के पहले ही ब्रैशियानो और फ्लेमिनियो जो है, वो विक्टोरिया के हस्बैंड और इजाबेला दोनों का मर्डर कराने के बारे में वो लोग सोच लेते हैं और मर्डर करा भी देते हैं। और जब कैमिलो, जो कि हस्बैंड है विक्टोरिया का, जब वो उसका मर्डर हो जाता है, तो विक्टोरिया को पकड़ लिया जाता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी जो कार्डिनल है वहाँ का, वो उसे कंडेम करता है, सजा सुनाता है और कहता है कि तुम्हें अब एक कॉन्वेंट में भर्ती होना पड़ेगा, जो कि प्रोस्टिट्यूट्स के लिए ही है। तो उसे सजा सुनाई जाती है विक्टोरिया को। तो उसके बाद फिर जो फ्लेमिनियो है, वो पागलपन का नाटक करता है ताकि वो बच जाए। द बैनिश्ड काउंट लोडोविको इज पार्डन्ड एंड रिटर्न्स टू रोम। उसके बाद शुरुआत में जो लोडोविको था, जिसे रोम से निकाल दिया गया था, वो फिर से रोम आ जाता है, और वो बताता है कि उसे इजाबेला बहुत पसंद थी, लेकिन क्योंकि अब इजाबेला का मर्डर कर दिया गया है, इसीलिए वो कसम खाता है कि वो उसके मर्डर का रिवेंज लेगा, वो बदला लेगा जिसने भी इजाबेला को मारा है। तो इजाबेला का जो भाई है फ्रांसिस्को, वो भी बदला लेने की ठान लेता है कि जिसने भी इजाबेला को मरवाया है, वो उसे मार डालेगा। और इसीलिए वो एक प्लान बनाता है, वो विक्टोरिया के लिए एक लव लेटर लिखता है, और वो जानबूझकर उसे ब्रैशियानो के हाथों में गिरा देता है, ताकि ब्रैशियानो जो है वो जेलस हो जाए कि ये लगता है इस विक्टोरिया का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन फिर भी जो विक्टोरिया है, वो ब्रैशियानो को मना लेती है कि वो फेथफुल है और उसका किसी के साथ भी अफेयर नहीं है, और इस तरीके से विक्टोरिया और ब्रैशियानो वहाँ से भाग जाते हैं। और जो कार्डिनल मोंटेसेल्सो है, जो अभी तक बस एक कार्डिनल था, वो उसे पोप बना दिया जाता है। और पोप बनने के बाद जो पहला काम वो करता है, वो यही करता है कि विक्टोरिया और ब्रैशियानो दोनों को वो एक्सकम्युनिकेट कर देता है, यानी क्रिश्चियनिटी से बाहर कर देता है, और तब तक विक्टोरिया और ब्रैशियानो वहाँ से भाग चुके होते हैं। सो जो विक्टोरिया है और ब्रैशियानो, उनकी शादी हो जाती है, और वो फिर पेडुआ में अपना कोर्ट लगाने लगते हैं। तो वहाँ पर फिर तीन स्ट्रेंजर्स आ पहुँचते हैं और कहते हैं कि हम आपकी सर्विस में काम करना चाहते हैं, वो ब्रैशियानो को कहते हैं, क्योंकि ब्रैशियानो ड्यूक होता है। सो ये जो तीन लोग होते हैं, जो कि भेस बदल कर आए हुए होते हैं, वो एक्चुअली फ्रांसिस्को था, जो कि इजाबेला का भाई होता है, ब्रैशियानो की वाइफ इजाबेला का भाई था फ्रांसिस्को, वो बदला लेने के लिए आया हुआ था, और इसीलिए वो अपना भेस बदल कर आता है मुल्ली नासर बनकर। इसके अलावा लोडोविको, जो कि इजाबेला को पसंद किया करता था, वो भी बदला लेने के लिए आता है, और गैस्पेरो, जो कि लोडोविको का भाई है, ये दोनों लोग कैपुचिन मॉन्क्स
मॉन्क्स बनकर आते हैं, साधु बनकर आते हैं, या जो क्रिश्चियनिटी में जो सेंट्स होते हैं उनको मॉन्क्स कहते हैं, और वो लोग भी इजाबेला का बदला लेने के लिए आए थे। तो ये तीनों लोग इजाबेला का बदला लेने के लिए आते हैं और वो लोग अपने प्लान की शुरुआत करते हैं और ब्रैशनो को वो जहर दे देते हैं। तो जैसे जैसे ब्रैशनो मर रहा होता है, लोडोविको और गैस्पेरो बता देते हैं कि वो कौन है एक्चुअली और उन्होंने उसको क्यों मारा है। उसके बाद जैनसे नाम की एक विक्टोरिया की मूरिश मेड होती है, नौकरानी होती है विक्टोरिया की, और उसे मुल्ली नासर पसंद आ गया होता है, जो कि एक्चुअली मुल्ली नासर नहीं था जो कि फ्रांसिस्को था। तो वो फ्रांसिस्को को यानी मुल्ली नासर को बताती है कि इजाबेला और कैमिलो इन दोनों का जो मर्डर है उसमें फ्लैमिनियो का हाथ है, जो कि विक्टोरिया का भाई था। तो वो बताती है कि फ्लैमिनियो का भी हाथ है इसमें, और इसी वजह से जो फ्लैमिनियो है उसे कोर्ट से बेदखल कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि उसने अपने भाई जो कि तीसरा सिबलिंग था विक्टोरिया और फ्लैमिनियो का, एक और भाई था मार्सेलो, तो मार्सेलो को फ्लैमिनियो ने मारा था। और जो ब्रैशनो का जो बेटा होता है जियोवनी, अब ब्रैशनो तो क्योंकि भाग गया था इसी वजह से जियोवनी को न्यू ड्यूक बना दिया गया था। तो जो जियोवनी है ब्रैशनो का बेटा, वो फ्लैमिनियो को कोर्ट से भगा देता है, इसीलिए क्योंकि फ्लैमिनियो ने अपने भाई मार्सेलो को मार दिया था। और जो जियोवनी है उसे ऐसा पता चलता है कि लगता है इस फ्लैमिनियो का बाकी क्राइम्स में भी हाथ है, और इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाता है। ही ट्राइज टू परसुएड हर एंड जैनसे टू अ ट्रिपल सुसाइड बाय शूटिंग हिम। तो जो फ्लैमिनियो है वो बोलते हैं विक्टोरिया को कि चलो हम लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वैसे भी हमें ये लोग आकर मार देंगे। तो वो उसे और जैनसे को ट्रिपल सुसाइड करने के लिए कहता है। तो विक्टोरिया और जैनसे जो हैं वो फ्लैमिनियो को शूट करते हैं, और उन्हें लगता है कि चलो ये मर गया, तो वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो अब यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फ्लैमिनियो जो है वो फिर से खड़ा हो जाता है और वो बताता है कि ये सब नहीं हो पाएगा, यानी कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि जो पिस्टल थे वो तो लोडेड ही नहीं थे, मैं नाटक कर रहा था। उसके बाद फिर तभी वहाँ पर लोडोविको और गैस्पेरो आते हैं और विक्टोरिया से बदला लेना चाहते थे वो लोग, और इसीलिए अपना बदला पूरा करने के लिए वो लोग विक्टोरिया को मार देते हैं। और वहीं पर जियोवनी और बाकी के ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, और लास्ट में प्ले वहीं पर एंड हो जाता है, जहाँ पे जियोवनी जो है वो लोडोविको को टॉर्चर करवाने के लिए भेज देता है, यानी एज पनिशमेंट वो उसे भेज देता है, क्योंकि लोडोविको ने बहुत सारे लोगों को मार डाला था। तो यहीं पर प्ले का अंत हो जाता है। आई होप आपको ये प्ले अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।